हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल भारत आईटीआई जॉब रोजगार अड्डा और टेक्निकल और नॉन टेक्निकल जॉब अपडेट चैनल में आप सभी इंजीनियरों का, चाहे आप टेक्निकल से जुड़े हैं या नॉन टेक्निकल से जुड़े हैं, सभी स्टूडेंटों को मैं स्वागत करता हूं। तो एक वैकेंसी निकल के आई है पटना की ओर से, ठीक ना, बिहार की ओर से वैकेंसी निकल के आई है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पटना की ओर से वैकेंसी निकल के आई है, IIMS आप बोल सकते हो, मेडिकल डिपार्टमेंट की ओर से वैकेंसी निकल के आई है। ये भर्ती बहुत पहले रिलीज़ की गई थी, लेकिन कुछ कारण बस, जैसे कि अभी ITI अनुदेशक का वैकेंसी 1.5 महीना पहले आया था, लेकिन अब जाकर आज से फॉर्म भराना स्टार्ट हुआ है, 4 तारीख से फॉर्म भराना स्टार्ट हुआ है। तो उसी तरह ये 26/4/2023 को ये पब्लिक किया गया था, ठीक है दोस्तों। आप लोग पेशेंस के साथ पूरा वीडियो वॉच करना, व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाना, ओके, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जुड़ जाना, वहाँ पे बैक टू बैक आप लोग को ऑल जॉब अपडेट, आप लोग को PDF हर चीज़ वहाँ पे, स्टडी मटेरियल सब चीज़ वहाँ पे मिलते रहता है, ठीक है। अगर आपको कुछ चाहिए, जैसे टेक्निकल क्वेश्चन हो गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गया, रमन सर का क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गया, उनका वीडियो चाहिए, ठीक है, या मेरा हैंड्स नोट्स बुक जो रमन सर द्वारा लिखा गया वो सब चीज़, या कंप्यूटर का चाहिए, तो जो भी चीज़ चाहिए आप डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पर देख लेना, ठीक है। उसके बाद से विजिट करके फिर जाकर आप SMS करना, सर हमें ये मास्टर कोर्स ज्वाइन करवा दीजिए, सिर्फ मेरे पास इलेक्ट्रिशियन के लिए ही अवेलेबल है, मैं आप लोग इलेक्ट्रिशियन को ही दे सकता हूँ, ओके। चलिए बात करते हैं हिंदी इंग्लिश, जो भी चीज़ आप लोग चाहिए वो सब चीज़ अवेलेबल है, ओके। अब चलिए बात करते हैं, हम लोग रुख लेते हैं डायरेक्टली बिहार की ओर से। देखिए जो वैकेंसी निकल के आई है, ग्रुप बी ग्रुप सी नॉन फैक्टोरियल पोस्ट ऑफ IIMS पटना की ओर से वैकेंसी निकल के आई है। तो यहाँ पे 10th, ध्यान से सुनना, 644 पोस्ट पर वैकेंसी आउट हुई है, ठीक है, तो कम वैकेंसी नहीं है, ठीक है, हल्के में मत लो। अब यहाँ पे है क्या कि आप लोग का एप्लीकेशन फ़ी थोड़ा ज़्यादा लगने वाला, और भुवनेश्वर में भी वैकेंसी आउट हुई है, IIMS भुवनेश्वर की ओर से वैकेंसी आउट हुई है, पटना में भी आउट हुई है, तो बहुत जगह वैकेंसी आउट हुई है। भुवनेश्वर वाला भी मैं एक प्रॉपर तरीके से वीडियो बनाकर मैं आप लोग को बता दूंगा। अब देखो यहाँ पे क्या है कि 10th 12th ITI डिप्लोमा डिग्री धारक जितने भी स्टूडेंट हैं सभी लोग फॉर्म को भर सकते हैं, यहाँ पर सबका अलग अलग पोस्ट है, ओके। मैं आप लोग को भी दिखा देता अभी हूँ, आप बस पेशेंस के साथ पूरा वीडियो वॉच करो। देखो ग्रुप ए का पोस्ट है, यहाँ पर देखो BBTech, अगर MCA किए हो, 10 ईयर का एक्सपीरियंस है, IT सिस्टम नेटवर्किंग हार्डवेयर से, मतलब कि कॉन्फ़िगरेशन से, या फिर सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर, या मिनिस्ट्रियल से डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट, या टूरिज्म, या मतलब कि स्ट्रक्चरल में, या एंट्रोनम्स में बॉडीज़ में अगर काम किया है ना, तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। लेवल देखो, मतलब क्या लेवल आप लोग का, 11 पेमेंट 67,700 लेकर 2,870,000 पर मंथ आप लोग का बनने वाला, मतलब क्या 67,700 आप लोग का ये बेसिक रहेगा। अब इस पे डियरेंस अलाउंस TA DA HRA फलाना ठिकाना जो भी है आप लोग को, ये सब चीज़ जो जुड़ेगा तो आप समझ सकते हो कितना सैलरी हो जाएगा, ओके। उसके बाद से स्टेज 1 स्टेज 2 आप लोग का होगा, तो ये एग्ज़ाम होगा, CBT एग्ज़ाम, उसके बाद से स्टेज 2 में आप लोग का इंटरव्यू हुआ होगा, वो चीज़ है। उसके बाद से नीचे आओगे तो ये सब बड़ा बड़ा पोस्ट है, और भी जैसे कि MD हॉस्पिटल से, एडमिनिस्ट्रेशन से, MHA किए हो, ऑर्गेनाइज मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, ये सब चीज़ दिया गया, आप लोग इसको डिटेल में देख लेना। उसके बाद से पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर के लिए है, लेवल आप लोग देख लीजिए, 11 का ही है, और यहाँ पे आप लोग का ग्रुप आप लोग का ए रहने वाला, तो यहाँ पर भी डिग्री है, ठीक ना, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन या डिप्लोमा की है, पब्लिक रिलेशंस कॉर्पोरेट, ठीक ना, कम्युनिकेशंस, या यहाँ पे जर्नलमेंस या मेंस कम्युनिकेशंस विथ मतलब कि 10 ईयर एक्सपीरियंस इसी फील्ड में, तो आप एलिजिबल फॉर्म को भरने के लिए, तो यहाँ पे आप लोग देख लेना, मैं एक एक करके सबको बताना पॉसिबल नहीं है, ठीक ना, क्योंकि एक एक करके मैं पूरा बताऊंगा ना तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, 32 पेज में टोटली है, ठीक है। तो आप लोग इसको देखते रहना, मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, पब्लिक रिलेशंस देखो मैं आप लोग को बताते रहूँगा, जल्दी जल्दी में आप लोग देखते रहना, ठीक है। यहाँ पर देखना आपका काम क्या है, 11 नंबर 9 नंबर देख रहे हो, जैसे सॉरी 8 नंबर 9 नंबर देख रहे हो, या आप लोग का पेन अपना लेवल देखते रहना, आप लोग का बेसिक्स, आप लोग का लेवल 8 है 7 है, आप लोग का क्या बनेगा वो सब चीज़ देख लेना, आप लोग का 44,900 से लेकर 1,42,400 के बीच में आप लोग का सैलरी, जैसे कि MA है, जैसे कि मेडिको मतलब सोशल वर्कर के लिए, ठीक ना, तो यहाँ पे आप लोग का क्या है कि MA की हो, सोशल वर्कवेयर MSW विथ स्पेशलाइजेशन ऑफ मेडिकल सोशल वर्क ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से, 5 ईयर का एक्सपीरियंस है, आप एलिजिबल फॉर्म को भरने के लिए। लेकिन यहाँ पे ये देख लेना, 18 से 35 साल का आपका जो एज, आप लोग यहाँ पे देखते रहना यार दोस्त, जो भी एक यहाँ पे आप लोग का, ये तो आप लोग का पद है, इसके बाद से यहाँ पे आप लोग का जो पोस्ट है वो मतलब ग्रुप ए में है, ग्रुप बी में है, उसके बाद से एज उसके यहाँ पे है, सीट यहाँ पे रहेगा, और यहाँ पे जो आपका एग्ज़ाम होने वाला, तो सबका एग्ज़ाम CBT ही होने वाला है,
ओके, तो ये नहीं समझिएगा कि उसके पास प्राइवेट सेक्रेटरी, यहाँ पे आप लोग का प्राइवेट सेक्रेटरी का मतलब ये ना समझिएगा कि प्राइवेट सेक्रेटरी मतलब प्राइवेट हो गया, नहीं, ये पद है आप लोग का। देखिए लेवल 7 का सैलरी मिलेगा यार, इतना तो JEE को मिलता है। ओके, तो इसमें आपको जॉब मिल जाएगा तो ज़िंदगी चमन हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर डिग्री में आ गया, स्किल टेस्ट नॉर्मल्स अग्रेशन 7 मिनट्स आप लोग का 120 WPM मतलब वर्ड पर मिनट आप लोग का होगा। ये सब चीज़ आप लोग का देख लीजिएगा। अब चलिए मैं ITI डिप्लोमा वाले को ले चलता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, ये डिप्लोमा वाले के लिए मैं डायरेक्टली लिख चलता हूँ। ITI वाले के लिए 63 नंबर पेज पे जाओगे डायरेक्टली हम चलेंगे ना, तो देखिए यहाँ पे आप लोग पूरा देखते रहिएगा, मैं आप लोग को ले चलता हूँ 63 नंबर पेज पे। देखो यहाँ पे आप लोग का मल्टी रिलेशंस, जैसे कि यहाँ पे आप लोग का देखिए यहाँ पे फिजियोथेरेपी वाला के, स्टोर कीपर के लिए, सबके लिए वैकेंसी आउट हुई। जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए है, उसके बाद से पर्सनल असिस्टेंट के लिए देखिए लेवल 6 का सैलरी मिलेगा, मतलब कि 35,400 से लेकर 1,12,444 मतलब कि आप लोग का ये बेसिक रहेगा। उसके बाद से आप लोग का देखिए यहाँ पर आप लोग का रखा गया मतलब कि आप लोग का ग्रुप बी में। उसके बाद से आप लोग का यहाँ पर आप लोग का जो कितना सीट है, UR में 5 है, OBC में 1 है, SC में 1 है, और 30 से मतलब आप लोग का 30 जो आप लोग का मिनिमम से मैक्सिमम आप लोग का 30 है, 18 मिनिमम है, मैक्सिमम आप लोग का 30 एज रखा गया। स्किल टेस्ट होगा, CBT एग्जाम होगा, उसके बाद से CBT एग्जाम के बाद स्किल टेस्ट, उसके बाद से CBT एग्जाम होगा। सबका अलग अलग है, वह नहीं समझिएगा कि सबका इंटरव्यू होगा, सबका CBT, कभी किसी का CBT पहले होगा तो किसी का इंटरव्यू पहले होगा, किसी का अब वो सब चीज़ आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, टोटल सब चीज़ को एक्सप्लेन करके बताना बहुत डिफ़िकल्ट है। ओके, उसके बाद से हेल्थ एजुकेशन सोशल फिजियोथेरेपिस्ट के लिए निकला हुआ है, थेरेपिस्ट के लिए निकला हुआ है, उसके बाद जूनियर रिलेशनशिप के लिए ऑफिसर के लिए निकला हुआ है। और उसके बाद से देखिए यहाँ पे बहुत सारा पोस्ट ITI वाले के लिए मैं दिखाता हूँ डायरेक्टली, जैसे चलते हैं हम 63 नंबर आप लोग का जो पोस्ट है। उसके बाद से फार्मासिस्ट ग्रेड के लिए निकला हुआ है, सैनिटरी इंस्पेक्टर ग्रेड 2 के लिए निकला हुआ है, ये सब जितना भी है ना मेडिकल जो भी है, ये सब क्योंकि मेडिकल डिपार्टमेंट है तो मेडिकल से रिलेटेड ही बहुत सारा पोस्ट है, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ यही लोग जाएंगे। देखिए यहाँ पे 63 नंबर पेज पे आइए हम लोग, इलेक्ट्रीशियन, ठीक है, ये देखो आप लोग का यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन आ गया ना, 10th पास हो, ओके, ITI की हो या डिप्लोमा की हो, सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रिकल ट्रेड, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर सर्टिफिकेट ऑफ कॉन्फिडेंसी एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ 5 ईयर इन मतलब कि इरिएशन एंड रनिंग मेंटेनेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ STLT मतलब कि हाई वोल्टेज मतलब काम किए हैं या मतलब लो वोल्टेज में काम किए हैं, इलेक्ट्रीशियन या इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस इंक्लूडिंग्स UG केबल मतलब कि अंडरग्राउंड केबल सिस्टम में अगर आप काम किए हैं, STLT अंडरग्राउंड केबल, पावर जनरेशन, पावर मतलब जो भी है, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन जो भी अगर काम किए हैं, तो आपका आप इसमें फॉर्म को भर सकते हैं, आपका जॉब इसमें हो सकता है। ग्रुप सी में रहिएगा, यहाँ पर नॉट एक्सटेंडिंग मतलब कि लास्ट आपका एज 35 साल ही रहने वाला है, रखा गया है। ओके, इससे आपको ज़्यादा है तो आप SC ST OBC आप कैटेगरीज वाइज आप लोग देख लेना, आपको छूट मिल जाएगा। CPT के द्वारा आप लोग का एग्ज़ाम होगा, ओके, एक एग्ज़ाम होगा ओनली फॉर, हो सकता है टेस्ट ये सब स्किल टेस्ट ले, लेकिन यहाँ पर लिखा गया कि CBT। उसके बाद से गैस कम पंप मैकेनिक वाले के लिए, यहाँ पर भी देखो 10+2 है, वो लोग भी एलिजिबल है फॉर्म को भरने के लिए। गैस पाइपलाइन सिस्टम 200 बेडेड गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स अगर काम हम किए हैं वो लोग के लिए बताया। ट्रेड सर्टिफिकेट ITI डिप्लोमा मैकेनिक्स इंजीनियरिंग से 3 ईयर एक्सपीरियंस है, मेडिकल गैस पाइपलाइन सिस्टम 200 बेड हॉस्पिटल, तो ये सब चीज़ देख लीजिएगा। तो अभी आप एलिजिबल फॉर्म को भरने के लिए, 2 सीट है लेकिन 18 से 30 आपका एज होना चाहिए। डार्क रूम असिस्टेंट के लिए, ओके, लेवल 4 का सैलरी मिलेगा, मतलब कि 25,500 से लेकर 81,100 के बीच में, मतलब कि 25,500 तो आपका बेसिक हो गया। अब इस पे TA DA HRA अदलम से सब चीज़ जुड़ेगा, तो 10-12,000 और ऐड कर लो, ओके, तो ये आपका सैलरी 35+ में जाने वाला है, 21 से 30 आपका एज होना चाहिए। डिप्लोमा है रेडियोथेरेपी फ्रॉम एक रोगनाइज इंस्टीट्यूशंस विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस है, आप एलिजिबल हो फॉर्म को भरने के लिए, ये बात साफ साफ लिखा गया। उसके बाद आओगे तो यहाँ पे नीचे सुपरवाइजर के लिए, असिस्टेंट सुपरवाइजर के लिए, यहाँ पे अगर 12th पास हो या डिग्री हो तो एलिजिबल फॉर्म को भरने के लिए। उसके बाद से नीचे आओगे जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के लिए लेवल 2, यहाँ पे देखो लेवल 2, उसके बाद से 19,900 से लेकर 63,200 बीच आप लोग का सैलरी रहने वाला है। उसके बाद देखो यहाँ पे सेंट्रल क्वालिफिकेशन 12th पास हो एलिजिबल फॉर्म को भरने के लिए। स्किल टेस्ट आपका होगा जो कि टाइपिंग होने वाला है, 30-35 का रेशियो रखा गया, ठीक ना, 35-30 आप लोग का हिंदी इंग्लिश का रखा गया, तो आप लोग देख लेना। उसके बाद से स्टोर कीपर कम कलर के लिए है, तो यहाँ पर भी ग्रेजुएशन में आ गया, ग्रेजुएशन है एलिजिबल फॉर्म को भरने के लिए।
सीट कितना है, तो यहाँ पे 30 सीट है दोस्तों। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वायरमैन के लिए, यहाँ पर भी आप लोग का देखिए आईटीआई, यह भी यहाँ पर बंदा भर सकता है, कौन जो आईटीआई किया है वो। यूआर के लिए 10 है, ईडब्ल्यू के लिए 2 है, ओबीसी के लिए 5 है, एससी के लिए 3 है। ओके, यहाँ पे 18 से 30 आपका एज होना चाहिए। इलेक्ट्रीशियन से देखो, यहाँ पर 10th पास है एलिजिबल हो, उसके बाद से आईटीआई डिप्लोमा सर्टिफिकेट इलेक्ट्रीशियन ट्रेड एलिजिबल हो, इलेक्ट्रीशियन वर्कमैन सर्टिफिकेट और कॉम्पिटेंसी एलिजिबल हो, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, मतलब कि देखो ये सब चीज़ यहाँ पे मांगा गया है, ये सब चीज़ होना चाहिए, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं। इसीलिए मैं बोलता हूँ बार बार एक्सपीरियंस ले लिया करो। देखो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे छटेंगे, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस 5 ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड पावर जनरेटर LT HT फलना ठिकाना ये सब ऐड कर देता है। क्यों ऐड करता है? छटैया करने के लिए, ताकि बच्चा इसमें हट जाए, भैया हम तो ये सब किए ही नहीं है, ठीक ना। माइंडफुल रूम अटेंडेंट के लिए, यहाँ पर देखो Level 2 का सैलरी 1900 से लेकर 3200 के बीच में आपको सैलरी बनने वाला। 12th पास हो, साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड से एलिजिबल फॉर्म को बनने के लिए 3 ईयर एक्सपीरियंस है। मेडिकल गैस पाइपलाइन सिस्टम 200 बेड्स, ये सब चीज़ या 200-400 यहाँ पर आप लोग देख लेना। लैब अटेंडेंट के लिए Grade 2 का, यहाँ पर भी आप लोग 12th पास हो, डिप्लोमा की हो, लैब टेक्नोलॉजी से एलिजिबल फॉर्म को बनने के, लेकिन एक्सपीरियंस यहाँ पर रिक्वायर्ड है 2 साल का होना चाहिए। ओके, उसके बाद से वार्डन हॉस्पिटल कीपर्स के लिए, यहाँ पर भी Level 2 का सैलरी है आप लोग का। ओके, तो पूरा इस यहाँ पे पूरा एकदम सिस्टम यहाँ पे पूरा आप लोग को देख लेना। लाइनमैन इलेक्ट्रिकल के लिए, यहाँ पर भी देखो बंदा 3-4 जगह फॉर्म को भर सकता है यार। देख लो यहाँ पे आप लोग का 2 सीट है, और देखो यहाँ पे आप CBT एग्ज़ाम होगा। यहाँ पे देखो ITI की हो, डिप्लोमा की हो, 2 साल का रिलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस है, एलिजिबल हो। अब कुछ बच्चा कहेगा कि 4-5 साल है तो हम नहीं भर पाए, देखो यहाँ पे 2-2 साल भी मांगा गया है, लेकिन मांगा गया है। कोडिंग क्लर्क के लिए, अब यहाँ पर भी आप लोग का BSc मांगा गया, 3+2 भी है एलिजिबल फॉर्म। ऑपरेटर ऑपरेटर मतलब कि लाइफ मतलब ऑपरेटर लिफ्ट ऑपरेटर के लिए है, मतलब कि आप लोग का यहाँ पर Level 2 का सैलरी मिलेगा। ITI की हो, डिप्लोमा की हो, देख लो कितना अपॉर्चुनिटी मिला है ITI वाले बंदे के लिए, कितना वैकेंसी है। इलेक्ट्रीशियन है, वायरमैन है, उसके बाद से ऑपरेटर है, फलना ठिकाना कितना है, मैसेनिस्ट हो, प्लम्बर के लिए देखो प्लम्बर ITI की हो। अब इसमें ITI का मतलब क्या है कि यहाँ पे तो प्लम्बर लिख दिया, डिप्लोमा, अब इसमें क्या है कि डिप्लोमा सिविल से किए ना वो बंदा भर सकता है। ओके, तो यहाँ पे देख लेना आप लोग का पूरा। उसके बाद से देखो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हॉस्पिटल अटेंडेंट्स Grade 2 नर्सिंग्स ऑर्डिनरी के लिए निकला हुआ है। उसके बाद से नीचे हो गए तो टेलर के लिए निकला हुआ है। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे क्यों नहीं फॉर्म को भर पाएंगे, मैं आप लोग को दिखाता हूँ रीजन, ठीक है। मैं इसका लिंक दे दूँगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत पहले वैकेंसी आउट हुई थी देखो, लेकिन अब जाकर कल से फॉर्म भराना स्टार्ट हुआ है। ओके, आप देखो जनरल OBC कैंडिडेट को कितना देना होगा, 3000, ठीक ना। भुवनेश्वर में वाला भी वैकेंसी आया है ना, जो IIMS वाला, तो वहाँ पर भी आप लोग का 3000 से 2400 रखा गया है। और देखो SC ST PWD EWS PWD भी कैंडिडेट है ना, उनको भी ये लोग छोड़े नहीं है। देखो 2400 रुपये आपको देना होगा, देखो मात्र इनको 600 रुपये छूट मिल रहा है, तो समझ सकते हो जो भी स्टूडेंट सीरियसली है तभी जाकर फॉर्म को भरना, क्योंकि पैसा यार बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो ऐसा है कि मान लीजिए फॉर्म को भरोगे पढ़ोगे नहीं सीरियसली से तो पैसा बर्बाद हो जाएगा ना, तो पढ़ना तब जाके जॉब मतलब कि सीरियसली हो, पढ़ने में ठीक हो, तब जाके ही फॉर्म को भरना, अदरवाइज़ मत भरना यार, पैसा बर्बाद हो जाएगा। ओके, अगर आपको कोई चीज़ मतलब चाहिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से हो तो आप SMS करना, आपको मिल जाएगा। अब देखो छूट के बारे में बताया गया, तो छूट के बारे में बताया गया तो 35-40-45 ये सब चीज़ यहाँ पर लिखा गया, आप लोग डिटेल वाइज इसको रीड कर लेना। आपको जैसे कि आप लोग जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एग्जामिनेशंस एक्सर्विसमेंस यहाँ पर देखिए आर्मी नेवी एयरफोर्स एंड इंडियन यूनियन से आप लोग का, तो आप लोग वहाँ पर देख लीजिएगा आप लोग का सेंटर कहाँ बनाया जाएगा, वो चीज़ यहाँ पर लिखा तो नहीं गया, ठीक है। CBT एग्जामिनेशन में आप लोग को कितना परसेंट लाना है, कम से कम ये चीज़ यहाँ पर लिखा गया जरूर कि EWS वाले युवा के लिए कम से कम 50% 45% OBC वाले SC 40% भी आए तो बंदा मतलब कि क्वालिफाई कर जाएगा, ठीक ना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसके बाद बुलाया जाएगा, ईमेल पे आप लोगों को मेल कर दिया जाएगा, ये सब चीज़ यहाँ पे फलाना ठिकाना लिखा गया, आप लोग इसको एक बार रीड कर लेना। ओके, और कुछ है नहीं, जितना जो भी इंपॉर्टेंट था मैं आप लोग को बता दिया, 32 पेज का टोटल था। तो चैनल पर अगर पहली बार विजिट करो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और हिट द बेल आइकन। तो जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, वंदे मातरम।